साथियों, कहा जाता है कि लाइफ एक डायनेमिक सिचुएशन है, गवर्नेंस तो भी तो एक डायनेमिक फेनोमेनन है। इसलिए हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप देश के सामान्य मानवी से निरंतर जुड़े रहें। जब आप लोक से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में काम करना और आसान हो जाएगा। आप लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेरी फिर आपको सलाह होगी, आप फील्ड में लोगों से जुड़िए, कट ऑफ मत रहिए, दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। आप जिस धरती से निकले हो, जिस परिवार समाज से निकले हो, उसको कभी भूलिए मत। समाज से जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए। एक प्रकार से समाज जीवन में विलीन हो जाइए, समाज आपकी शक्ति का सहारा बन जाएगा। आपके दो हाथ सहस्त्र बाहु बन जाएंगे। ये सहस्त्र बाहु जनशक्ति होती है, उन्हें समझने की, उनसे सीखने की कोशिश अवश्य करिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, सरकार शीर्ष से नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है, जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। साथियों, इस एकेडमी से निकलकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसानी का, सुविधाओं का, नेम एंड फेम का रास्ता होगा। एक रास्ता होगा जहां चुनौतियां होगी, कठिनाइयां होगी, संघर्ष होगा, समस्याएं होगी, लेकिन मैं अपने अनुभव से मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको असली कठिनाई तभी होगी जब आप आसान रास्ते पकड़ेंगे। आपने देखा होगा जो सड़क सीधी होती है, कोई मोड़ नहीं होते हैं, वहां सबसे ज्यादा अकस्मात होते हैं। लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी मोड़ वाली सड़क होती है वहां ड्राइवर बड़ा कॉन्शियस होता है, वहां अकस्मात कम होते हैं। और इसलिए सीधा सरल रास्ता कभी न कभी बहुत बड़ा कठिन बन जाता है। राष्ट्र निर्माण के, आत्मनिर्भर भारत के जिस बड़े लक्ष्य की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें आसान रास्ते मिले ये जरूरी नहीं है। अरे मन में उसकी कामना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब आप हर चुनौती का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे, तो इसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं पूरे देश को मिलेगा। और आप ही के नजरों के सामने आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल की यात्रा फलते फूलते हिंदुस्तान को देखने का कालखंड होगा। आज देश जिस मोड़ में काम कर रहा है उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ही है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवी का सशक्तिकरण कैसे हो। हमारे यहां उपनिषद में कहा गया है, न तत् द्वितीयम् अस्ति, न तत् द्वितीयम् अस्ति, अर्थात कोई दूसरा नहीं है, कोई मुझसे अलग नहीं है।
जो भी काम करिए, जिस किसी के लिए भी करिए, अपना समझकर करिए। और मैं अपने अनुभव से ही कहूंगा कि जब आप अपने विभाग को, सामान्य जनों को अपना परिवार समझकर काम करेंगे तो आपको कभी थकान नहीं होगी, हमेशा आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे।